जो कुछ भी आ, नेशन का राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है हम जो कहते हैं कि हम राष्ट्र है उस राष्ट्र की परिभाषा जो है उस वो परिभाषा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है आ, ये राष्ट्र क्या है इसके जो गवर्निंग प्रिंसिपल है आ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशन को डिफ़ाइन किया है कि ये राष्ट्र कैसे होगा और वो मेरा ख़्याल है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है प्रास्ताविक है जो उसमें दिया हुआ है और साफ तरीके से दिया हुआ है और मुझे लगता है कि उसको समझना चाहिए सिर्फ उसको कहना उचित नहीं होगा उसका मीनिंग जो है उसका अर्थ जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए और आप देखेंगे कि ये छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है इसमें कि प्रियम्बल में प्रास्ताविक जो है उसमें ये कहा गया है कि ये देश जो है ये रिपब्लिक है रिपब्लिक का मतलब लोगों का है सौरीन है सारी सत्ता जो है जनता के हाथ में है ये देश जनतंत्रवादी है धर्मनिरपेक्ष है सेक्युलर और फाइनली आ, समाजवादी है सोशलिस्ट तो रिपब्लिक साउरिन डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड सोशलिस्ट ये प्रिंसिपल्स है जिसका फाउंडेशन नेशन का फाउंडेशन का ये पांच प्रिंसिपल है इसके अलावा उसमें और कोई चीजें नहीं डाली जा सकती ये रिपब्लिक है इसलिए कि और सौरिन है इन दोनों का मिला के अर्थ यह है कि जनता जो है वो सौर्वभूम है सारा पावर सत्ता जो है वो जनता के पास है लोगों की लोगों का ये नेशन है साथ साथ ये भी है कि ये सेकुलर भी है धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि धर्म और राज स्टेट यह अलग है उसका अर्थ यह है कि किसी भी धर्म के जो विचार है वो स्टेट को गवर्न करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन टीचिंग ऑफ एनी रिलीजन विल नॉट फॉर्म ए बेस द रनिंग ऑफ द कंट्री वो अलग अलग है नेशन जो है वह अलग प्रिंसिपल से गवर्न होगा धार्मिक प्रिंसिपल से नहीं होगा वो हिंदू हो बुद्धिस्ट हो जैन हो इस्लाम हो क्रिस्चैनिटी हो लेकिन साथ साथ यह समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक किसी को धार्मिक फ्रीडम देता है यू कैन प्रीच रिलीजन यू कैन हैवे फेथ इन द रिलीजन यू कैन कन्वर्ट गेट कन्वर्टेड यू कैन कन्वर्ट इन ए रीजनेबल वे वो फ्रीडम आपको पूरा है वो फ्रीडम को नहीं लिया गया वो फंडामेंटल राइट right में है बल्कि राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन लेकिन वो जो रिलीजन के प्रिंसिपल है वो स्टेट को चलाने में उसका इस्तेमाल नहीं होगा ये है सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षकता का मतलब साथ साथ सोशलिस्ट भी है ओरिजिनल uh, प्रीएम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म था नहीं ये इंदिरा जी ने कांग्रेस ने 1979 में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म प्रियम्बल में डाला तो सोशलिज्म का मतलब यह है कि आ, ये राष्ट्र इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक असमानता दूर करने की कोशिश करेगा और सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में बोलूँगा ये डेमोक्रेटिक तरीके से राज्य चलेगा और भी फॉर्म है गवर्नेंस के डिक्टेटरशिप भी है मोनार्की भी है तो यहाँ ना डिक्टेटरशिप है एक पार्टी की या किसी की या मोनार्की नहीं है राजा यह है जनता की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रल प्रोसेस वो इस देश को चलाएंगे वो फाउंडेशन होगा नेशन का तो आप समझ लीजिए ये मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने रखने की कोशिश की कि ये ये गवर्निंग प्रिंसिपल्स है हमारे राष्ट्र के ये राष्ट्र जनता का है सार्वभौम है लोकशाहीवादी है लोकशाही को मानने वाला है सेक्युलर है धर्मनिरपेक्ष है और समाजवादी है इसमें और जो विचार आजकल लाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं है उसके बारे में जिक्र मैं बाद में करूंगा उसके बुद्धिष्ट भी प्रियाम्बल में दिए हुए हैं वेरी क्लियरली सरकार राज्य और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है राज्य के ऊपर बंधनकारी बन जाती है कि ये जस्टिस प्रमोट करेगी न्याय को आगे बढ़ाएगी और दोनों तीनों तरह के न्याय सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो गोल जस्टिस बनाया है न्याय का बनाया हुआ है न्याय मिले सबको दूसरा लिबर्टी जिसको फ्रीडम भी कहते हैं कि हर एक को फ्रीडम होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम उनको मिलेंगे वो फंडामेंटल राइट पे दिए हुए हैं इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रीडम टू रिलीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ राइटिंग ये सारे इंडिविजुअल फ्रीडम उसमें डिटेल में दिए हुए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि ब्रदरहुड और फैटर्निटी प्रमोट किया जाएगा इस घटना के थ्रू और आखिरी में दिया है कि यूनिटी ऑफ दिस कंट्री तो आप देखेंगे कि घटना का जो आधार है वो आधार समता स्वातंत्र था आप बुद्धिज्म की बात कर रहे हो फ्रेटर्निटी जो है बुद्धिज्म में है ये तीनों जो है उद्दिष को प्रमोट करने के लिए आ, प्रमोट करेगी घटना एक बंधनकारी बनाएंगी सरकार के ऊपर तो ये ढांचा है ये फाउंडेशन है नेशन का और इससे आप डेविएट हो नहीं सकते इसके अलावा और कुछ चीज़ें ला नहीं सकते लेकिन लाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में बाद में मैं जिक्र करूँगा क्योंकि नेशन के बारे में डिटेल में कल इरफान इंजीनियर बात करेंगे और डॉक्टर राउत विल बुद्धिज़्म के बारे में कहेंगे तो मैं फोकस करूँगा डेमोक्रेसी पे कि जो प्रियम्बल में जो पांच आधार स्तंभ है उसमें डेमोक्रेसी एक प्रमुख है मुख्य है तो डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें कहूँगा कि डेमोक्रेसी चीज़ क्या है उसके क्या फीचर्स है इंडिया में किस फॉर्म में हमने डेमोक्रेसी ली है और फिर बाबा साहब की संकल्पना क्या है डेमोक्रेसी के बारे में ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो बाबा साहब ने सोची थी वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में आई है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए इसलिए नहीं कर पाए कि जो मेजॉरिटी चाहती थी वो उनको करना पड़ा लेकिन लोकशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया है जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनको मैं ये किताब रिकमेंड कर दूँ डॉक्टर अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी मेरी इंस्टीट्यूट जो इंडियन न्यूज़ ऑफ द स्टडीज़ है उन्होंने एडिट की है उसके ऑथर है बड़े सेलिब्रेटेड पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफर जेफरलेट फ्रांस के है और उसके को ऑथर है नरेंद्र कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पब्लिश की है ऑक्सफर्ड ने और इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ दरी स्टडी ने तो उस किताब में जितनी भी राइटिंग है बाबा साहेब की डेमोक्रेसी पे जो स्कैटर्ड हुई है वो इकट्ठा की है ओरिजिनल में और फिर 40-50 पेजेस की इंटरप्रिटेशन है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो बाबा साहेब के विचार डेमोक्रेसी के बारे में क्या है तो उसमें दो बातें आती है कि लोकशाही की व्याख्या या मीनिंग उन्होंने कैसे किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके बाद डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस है कि डेमोक्रेसी को यदि आपको सक्सेसफुल बनाना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और जो जितने भी इशारे उन्होंने किए थे ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें सामने नज़र आ रहे हैं उसका भी जिक्र करूँगा जो जो चैलेंज अभी हमारे सामने हैं उसका भी जिक्र करूंगा जो, जो जहां तक लोकशाही का है उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए जरा बाबा साहेब का अपना एक एडिशनल एक नई बात उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में की है डेमोक्रेसी मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज आयदर हेल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टली बाय द पीपल देमसेल्फ एम ये बड़ी अच्छी व्याख्या लोकशाही की है कि लोकशाही ऐसी सरकार चलाने की ऐसी प्रणाली है पद्धति है जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वो सरकार चलाते हैं इसका मतलब यह है कि जनता चलाती है क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव है और जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है हर पाँच साल के बाद उनको वापस आना होता है उन्होंने अच्छा काम किया तो दोबारा चुन के भेजा जाएगा नहीं किया तो उनको वापस लाया जाएगा तो जो प्रियम्बल में रिपब्लिक कहा हुआ है सौरवभूम कहा हुआ है सौरव जनता जो है सबसे ज़्यादा पावर उनके पास पास है तो लोकशाही में जनता की सरकार होती है जनता के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होती है कई जगह जनता भी होती है खुद आपने देखा होगा कि पंचायत में आ, ग्राम सभा पूरे गांव के लोग बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं पंचायत तो लेती है लेकिन उसके पहले गांव के गांव के सारे लोगों का विचार क्या है वो भी लिया जाता है दैट इज बाय पीपल एज ए होल लेकिन हर बार कोई बड़ी चीज़ हर डिसीजन जनता को इकट्ठा करके नहीं की जा सकती है इसलिए रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है और रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के विचार जो होते हैं वो आ, रखते हैं तो ये लोकशाही का अर्थ है दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आ, आपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में समझनी चाहिए वो यह है कि य, ये डेमोक्रेसी कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है और दो प्रिंसिपल बड़ी जबरदस्त है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती वो यह है कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी कि हर किसी को फ्रीडम है वो फ्रीडम को डिफाइन किया जाए गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ राइटिंग फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ये सारे फंडामेंटल राइट right जो मूलभूत अधिकार है वो डेमोक्रेसी में होते हैं उसके बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है और दूसरा जो है वो इक्वालिटी कि हर कोई जो समान है आ, उसके भी इक्वलिटी का भी मीनिंग दिया हुआ है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ अब आप मनुस्मृति देखेंगे तो जो मनु का लॉ है उसमें कुछ लोगों को अधिकार है और कुछ लोगों को अधिकार नहीं है सो देर इज़ नो इक्वेलिटी बिफोर लॉ कायदे में समानता है नहीं वहाँ पर कुछ को ज़्यादा अधिकार है कुछ को कम है लेकिन उस मनुस्मृति को उल्टा कर दिया है रिजेक्ट किया गया और यह कहा है कि लोकशाही में या नेशन में इंडियन नेशन में इक्वेलिटी के आधार के ऊपर सारा कारोबार चलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर किसी को संधि मिलेगी किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता किसी आधार पे। तो आप आगे चल के देखेंगे फंडामेंटल राइट right में तो बाबा साहेब मैंने उसको बड़ी सोच समझ के डाला है कि इक्वलिटी uh, को डिफाइन uh, भी किया है कि इक्वलिटी मीन्स ऑल्सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन नो बडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड नो बडी विल बी डिनाइड द सेम डिनाईड द राइट बिकॉज ऑफ कास्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन बिकॉज ऑफ़ जेंडर बिकॉज ऑफ रेस बिकॉज ऑफ कलर बिकॉज ऑफ रीजन सबको समान अधिकार मिलेंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा तो उसका उसका मीनिंग भी इक्वलिटी का आ, दिया हुआ है तो यही आप लोगों ने यह समझना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है जो लोकशाही है जनतंत्र है जिसमें लोगों के प्रतिनिधि सत्ता चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल और उन तत्व तो तो पर चलाते हैं जहां स्वतंत्रता है फ्रीडम है और इक्वेलिटी है ये क्रक्स है डेमोक्रेसी का अब आप देख लीजिए चाइना है मान लीजिए एक ही पार्टी है और बहुत सारे एरिया में आपको फ्रीडम है नहीं कोरिया देख लीजिए नॉर्थ नॉर्थ कोरिया एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है बहुत सारे एरिया में आपको फ्रीडम है हाँ नहीं यू कैनॉट क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट इन चाइना एज वेल एज इन कोरिया या क्यूबा में चले जाए जहाँ कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहाँ एक ही पार्टी होती है और वहाँ फ्रीडम नहीं होता है इक्वलिटी होगी तो आ, लेकिन आ, जिस डेमोक्रेसी की इंडियन डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं या वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसमें फ्रीडम और इक्वलिटी बड़े इम्पोर्टेंट गवर्निंग प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के और डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के थ्रू चलती है इसलिए बाबा साहेब ने अब्राहम को कोट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में किया हर किसी ने किया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल जनता की सरकार है बाय द पीपल लोगों की तरफ से सरकार बनती है एंड फाइनली फॉर द पीपल ये जो ये जो सरकार है वो जनता के लिए काम करेगी ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल फॉर द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट वो जनता की तरफ से हो सकती है जनता ने चुन के दी हो सकती है लेकिन वो जनता के लिए काम नहीं करेगी यही होता है बहुत बार प्रोमिस दिए जाते हैं काम नहीं होता है इसलिए फिर वापिस लिया जाता है ये फॉर बाय एंड ऑफ जो है इसका मीनिंग बाबा साहब ने बड़ा अच्छी तरह दिया है मैं बाद में जब क्राइसिस में आऊँगा तो उसका मीनिंग आपको बताऊँगा तो ये आपने डेमोक्रेसी के बारे में समझ लेना चाहिए ये मैं थोड़ा सा डिटेल में गया हूँ कि डेमोक्रेसी क्या संज्ञा है डेमोक्रेसी यदि इंडिया में है तो वो उस वो फॉर्म है गवर्नेंस का जिसमें जनता के रिप्रेजेंटेटिव उसको चलाते हैं और स्वतंत्र और इक्वालिटी फ्रीडम एंड इक्वालिटी समता बंधुत्व फ्रेटर्निटी ये उसके प्रिंसिपल है तत्व है जिसके आधार के ऊपर ये सरकार चलती है तो ये चंद बातें आपने डेमोक्रेसी के बारे में मेरा ख्याल है आ, समझ लेनी चाहिए अब कुछ बातें हैं जो डेमोक्रेसी की आ, जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा पहले डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल जो है वो समझ 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 लीजिएगा कि डेमोक्रेसी में यदि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव से सरकार चलती है और फ्रीडम है आपको अपने तरीके से रिप्रेजेंटेटिव भेजने का तो उसका इमीजिएट इफेक्ट ये होता है कि देश का जनता का कल्याण आप कैसे करोगे उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं भेदभाव आ जाता है कुछ लोग इस विचारधारा के हैं कि नहीं ये आइडियोलॉजी और ये पॉलिसी जनता का कल्याण करेंगी दूसरे कहते हैं कि नहीं ये आइडियोलॉजी और ये प्रोग्राम और पॉलिसी प्रोग्राम जनता का कल्याण करेंगी तो लोकशाही में स्वतंत्र होने की वजह से भिन्न भिन्न भिन विचारधाराएं आती है एक ही कॉस के लिए जनता के कल्याण के लिए अब ये आपकी कांग्रेस है उनकी अपनी आइडियोलॉजी और प्रोग्राम है कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है अपने प्रोग्राम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उनके अपने कार्यक्रम और प्रोग्राम है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो 20 ब्रांचेस है या 25 ब्रांचेस है मुझे नहीं मालूम कितनी है उनके हर एक की अपने आइडियोलॉजी है या प्रोग्राम है मुझे मालूम नहीं लेकिन अलग अलग है ज़रूर सोशलिस्ट है उनके अपने विचार अलग है बीजेपी है उसका अपना देखने का तरीका अलग है तो लोकशाही में डेमोक्रेसी में जनता के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यदि सरकार चलती है तो जनता जनता ये तय करती है कि किस विचारधारा से किस पॉलिसी से कल्याण होगा इसलिए डिफरेंसेस होते हैं इसलिए पार्टियां बनती है पार्टी का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि वैचारिक भिन्नता है यदि मान लीजिए सबने कहा कि ये आइडियोलॉजी और ये प्रोग्राम और ये पॉलिसी सही है तो पार्टियां बनेगी नहीं एक ही पार्टी रहेगी <coughs> तो पार्टियां इसलिए बनती है कि जनता का प्रोग्रेस के लिए कल्याण के लिए जो विचारधारा और प्रोग्राम है इसमें भिन्नता होती है डिफरेंसेस होते हैं इसलिए लोकशाही का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आपने ध्यान में रखना चाहिए वो यह है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज वो क्यों होती है इसका मैंने आपको कारण दे दिया है तो ये मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज अपने विचार लेके आते हैं उसमें भी प्रोसेस है रजिस्टर करते वगैरह वगैरह तो इलेक्शन में भी फिर खड़े रहते हैं और फिर दूसरा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश कीजिए ये मैं प्रिलिमिनरी आपको इसलिए समझा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये मालूम नहीं है आपको मालूम है मैं इसमें जो लिमिटेशन है ये बाद में आपके सामने रखूंगा कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती है इलेक्शन में खड़े रहते हैं और फिर एक रूल है पावर टू मेजॉरिटी पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए है उसको पावर मिलेगा ये ब्रिटिश मॉडल है ये डिफरेंट मैटर है कि उस मेजॉरिटी पार्टी जिसके ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिर्फ थर्टी परसेंट लोगों ने ही वोट दिया है या थर्टी फाइव परसेंट लोग ने दिया है बाकी के लोग जो सेवेंटी परसेंट है वो माइनॉरिटी में है क्योंकि बटे हुए है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में लेकिन मेजॉरिटी रूल जिस पक्ष को मेजॉरिटी मिलेगी वो सत्ता में आएगी ये जो ब्रिटिश रूल है ये समझ लेना चाहिए इसलिए आपने देखा होगा कि जिसको फिफ्टी वन फिफ्टी टू परसेंट मिल जाता है उसको पहले सरकार प्रेसिडेंट बुलाती है आ, सरकार बनाने के लिए सो द मेजोरिटी पार्टी जिसको रिप्रेजेंटेटिव मिले वो सत्ता में आती है माइनॉरिटी भी रहती है इसके कुछ बहुत बड़े रिस्क है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से माइनॉरिटी का क्वेश्चन कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इसमें उसको बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि मेजोरिटी डिसीजन मेजोरिटी के नाम पे जो गवर्नमेंट बनती है उसके रिस्क रिस्क क्या है माइनॉरिटीज के क्या रिस्क है अभी क्या रिस्क है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरा जो है कि पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मेजोरिटी मिलती है वो सरकार में आती है दूसरा जो है कुछ इलेक्ट्रोल मेथड भी होते हैं डेमोक्रेसी में वो समझ लीजिए ये सारे प्रॉब्लम अभी मौजूद है जो दलितों से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको आपके सामने कह रहा हूँ दो फॉर्म्स है एक दो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दूसरा है पार्लियामेंटरी सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंटरी सिस्टम सिंपल सी है अमेरिका uh, में जो है जो प्रेसिडेंट है इज़ पावरफुल वो डायरेक्ट लोगों की तरफ से चुना जाता है और प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर कैबिनेट uh, बनती है मंत्री बनते हैं और मंत्री ज़रूरी नहीं, नहीं कि इलेक्टेड हो बल्कि रहते नहीं ज़्यादातर अमेरिका में हमारी हमारी कंपेरिजन uh, में तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है दूसरा है ब्रिटिश जो पार्लियामेंटरी फॉर्म है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली चुन के नहीं आता है उसमें जो चुन के जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे यहां है वैसे वहां जाते हैं फिर मेजॉरिटी पार्टी जो है उसके जो मेंबर है वो तय करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये डिफरेंस है और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बड़े जोरों के साथ यह कहा है कि वी डोंट नीड पॉलिटिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं है हमारे लिए हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है क्योंकि पार्लियामेंट्री parliament, फॉर्म जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है यदि बीच में कोई प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सीरियस गलती की तो उसको निकाला जा, जा सकते आप जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन में तो हर एक साल के बाद प्राइम मिनिस्टर जैसे चेंज होता है इसके पहले वो थे अब कोई महिला है वो भी उनके भी स्थिति क्राइसिस में है अभी यूरोपियन यूनियन के इशू को लेके तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर बनाते हैं प्राइम पहले प्राइम मिनिस्टर बनाते और मिनिस्टर बनाते हैं तो ये ये एक तरीके से आपको फ्रीडम देती है कि जब गलती हो रही हो तो आप आदमी को बदल सकते हैं वहाँ नहीं कर सकते ट्रम्प साहब कुछ भी वो बोले उनको हाथ नहीं लगा सकते आप तो वो डिक्टोरियल टेंडेंसीज की तरफ ज़्यादा होता है और डॉक्टर अंबेडकर साहब को इसकी बहुत अच्छी जानकारी थी मैं आऊँगा उस इशू पे बाद में जो इशू आज हम हमारे सामने पेश हो रहे है, वो ये है कि जिस कंट्रीज में रिलीजन का रोल कास्ट का रोल ज़्यादा है और जिस कास्ट का होट ज़्यादा है जिस रिलीजन का होट ज़्यादा है यदि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ला के जनता के थ्रू यदि प्रेसिडेंट बनाओगे तो जिस जाति का प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ज्यादा है जिस धर्म का प्रोपोर्शन ज़्यादा जा, है उसी का उसी का प्रेसिडेंट हर बार बना रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो डिफरेंट हो सकता है तो इसलिए बाबा साहब ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया आप उसे डिबेट देखेंगे या शाम में नेगिल की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बनाई उसका उसका विजुअल किया बताया तो उसमें बिल्कुल इसको सिलेक्ट किया है जब बाबा साहेब अम्बेडकर बोले कि हमें पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं यह आपने थोड़ा सा समझ लेना चाहिए दूसरा मुद्दा जो है वो भी इलेक्शन से ताल्लुक आता है वो ये है कि मेजॉरिटी जो चुन के आएगी वो सरकार बनाएगी और माइनॉरिटी जो है वो रहेगी उसका उसका सहभाग तो रहेगा लेकिन चूँकि मेजॉरिटी से ही वोट बनता है सारा डिसीजन होती है तो माइनॉरिटी को कोई प्लेस तो नहीं रहती है आप चिल्लाइए चिल्लाइए वो पार्लियामेंट में वेल में जाइए जो जाते हैं दौड़ के लोकसभा स्पीकर के पास उतना ही कर सकते उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते मेजॉरिटी वोट जो होता है मेजॉरिटी uh, डिसीजन होती है वो वही होती है लेकिन जो मैं वो मुद्दा आपके सामने रख रहा रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो माइनॉरिटीज होती है माइनॉरिटी माइनॉरिटी हो, होने की वजह से वो चुन के नहीं आ सकते पॉपुलेशन बहुत कम होती है इसलिए माइनॉरिटीज को ड्यू uh, रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए कुछ कुछ अलग मेथड अपनाए हैं इसको समझ दीजिएगा ये भी इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बाद में देखेंगे आप हाँ। <coughs> वो ये है कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या कास्ट माइनॉरिटी हो शेड्यूल कास्ट हो ट्राइबल हो तो उसके लिए एक नया मेथड लाया है वो है रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16 परसेंट है तो 16 परसेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होने चाहिए ट्राइबल यदि आठ है तो उनके आठ होने चाहिए ताकि कम से कम उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिले यदि नहीं है रिजर्वेशन तो नहीं जाएंगे इसके दो उदाहरण आपको देता हूं मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन 1932 में मिला पुनः पैक के तहत उसके पहले मुस्लिम को था एंग्लो इंडियन को था क्रिश्चियन को था उसी का सहारा लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि हम तो उससे भी डिप्रेस है हमें भी शेयर लेना चाहिए तो मुस्लिम को भी सेपरेट इलेक्टेड था रिजर्वेशन था लेकिन फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन इनका रिजर्व पोलिटिकल रिजिशन निकाला गया सिर्फ शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप का रखा गया वो भी कैसे रखा गया वो लंबी कहानी है मैं उसमें टाइम नहीं जाया करूंगा लेकिन एक बात आपने समझ लेनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ को ड्यू रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में देने के लिए एक अलग इलेक्ट्रल मेथड निकाली है वो अलग मेथड है रिजर्व पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अब उसका मतलब यही है पूना पैक के तहत कि भाई जैसे महाराष्ट्र में 28 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए असेंबली की ऑल इंडिया लेवल पे कुछ 82 है उसमें शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का ही कैंडिडेट खड़ा रहेगा वोट देने वाले दोनों रहेंगे ताकि शेड्यूल कास्ट को अपने पॉपुलेशन के हिसाब से ट्राइबल को अपने पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर मिले यदि यह नहीं है मुस्लिम का इसका एग्जाम्पल है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है रिजर्वेशन नहीं है वो मुस्लिम के बारे में आपको देख, देखने को मिलता है उनकी पॉपुलेशन 14 परसेंट है मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से 4 परसेंट है वो लोकसभा में यदि आपने उनको शेयर नहीं दिया तो वही हालत महिलाओं की है महिला 30 परसेंट मांग रही है क्यों मांग रही है महिला 30 परसेंट दस साल से मांग रही है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है पचास परसेंट लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ दस ग्यारह परसेंट है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर तो जो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज़ है उसको आपने यदि रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऐसी सुविधा नहीं की तो उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो डेमोक्रेसी में ये कोशिश की जाती है कि माइनॉरिटीज़ को शेयर कैसे दिए जैसे पाकिस्तान में महिला के लिए रिजर्वेशन है हमारे यहाँ नहीं पाकिस्तान में है महिलाओं के लिए कुछ हिंदुओं के लिए है क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है तो हर एक देश में इस तरह की प्रोविजन की जाती है कि इलेक्शन के थ्रू यदि आप कुछ करोगे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो माइनॉरिटी जिनकी पॉपुलेशन ही कम है वो चुन के नहीं आएंगे तो हाँ इंडिया में ये हमने रिजर्वेशन का तरीका अपना अपनाया है अब ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं गया लेकिन डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है वो आपके सामने रखे कि जनतंत्र ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलता है और अपेक्षा यह है कि वो लोगों के लिए काम करें यह डेमोक्रेसी का कक्ष है और ये होने के लिए फ्रीडम और इक्वेलिटी बहुत जरूरी है और साथ साथ पार्टी सिस्टम होती है मल्टीपल पार्टी होती है दो पार्टी होती है वो पार्टी इसलिए आती है कि वैचारिक मतभिन्नता होती है डिसएग्रीमेंट होता है कि इस तरीके से तरक्की होगी इस तरीके से नहीं होगी दूसरे मानते हैं इसलिए मल्टीपल पार्टीज होती है और दूसरा है माइनॉरिटीज के लिए कुछ इलेक्ट्रोनल प्रोसेस की एक प्रोविजन की जाती है जिससे उनको ड्यू शेयर मिले यही हमने इंडिया में किया हुआ है हमने जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंटरी फॉर्म की डेमोक्रेसी है कि रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं जो मेजॉरिटी है में उनकी सरकार बनती है और मेजॉरिटी पार्टी वाले जो है वो प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं मिनिस्टर तय करते हैं प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली चुन के नहीं आता माइनॉरिटी जो है स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इनको एक इलेक्ट्रोल मैकेनिज्म दिया हुआ है कि आपका ड्यू शेयर आपको मिलेगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से एंग्लो इंडियन क्रिश्चन मुस्लिम के लिए भी कुछ तरीक प्रोविजन है ऐसी बात नहीं है नॉमिनेशन के थ्रू किया जाता है बहुत बार जैसे प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करने का अधिकार है हालांकि मेजोरिटी पार्टी तय करती है लेकिन इसके थ्रू ऐसे लोगों को लाया जाता है जो अच्छे है माइनॉरिटी के है अंडर रिप्रेजेंटेट है महिला अंडर रिप्रेजेंटेटिव है तो एक तरीका है वहाँ पे, और पार, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी ये कोशिश करती है कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो ये आ, आ, ये लोकशाही का जो है आ, ये ढांचा हमारे आ, सामने हम यहाँ लागू किए हैं अब साठ पैंसठ साल हुए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब आखिरी स्पीच दी आपको मालूम होगा और उसमें जो डेंजर है जो रिस्क है जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए उसका जिक्र किया है दो तीन मुद्दे उन्होंने वहां दिए हैं, लेकिन इसके अलावा आप उनकी अलग भी राइटिंग है कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजकीय जनतंत्र को यदि हमें सक्सेस करना है तो कुछ चीजें हमें करनी पड़े करनी पड़ेगी उसका मैं जिक्र करूंगा और यह फिर यह देखूंगा कि जो प्रिडिक्शन उन्होंने किया था लोकशाही के बारे में वो कैसा अभी सच हो रहा है और उसको हम कैसे डील करें यह मेरा खाली इंपॉर्टेंट इशू है जो आ, आपके सामने रखूंगा मैं आखिरी स्पीच में उन्होंने यह कहा और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो डेफिनेशन है लोकशाही की उसको यहां मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जनरल जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की दैट इट इज ए इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल विच वर्क फॉर द पीपल लोगों ने भेजे हुए प्रतिनिधि के थ्रू सरकार चलती है नीतियाँ बनती है वो लोगों के लिए वो काम करती है वो डेमोक्रेसी है और फ्रीडम और इक्वलिटी की वजह से वो आ, इस तरह की सिस्टम बनती है लेकिन बाबा साहब ने एक चीज़ और की उसको साफ किया काफी इंडियन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज ए मेथड इज ए सिस्टम वेयर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आर ब्रॉट थ्रू नॉन वायलेंट मेथड। कि जनतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें हिंसा के बगैर अहिंसाई तरीके से नीतियां बनेगी और सामाजिक और आर्थिक बदल लाया जाएगा ये इतना एम्फोसिस उन्होंने हिंसा के ऊपर किया है अपने जो आखिरी के भाषण में कहा कि और फिर उन्होंने कहा वहां पर कि गांधी जी ने जो तीन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए वो कहते उस जमाने में वो सही थे फास्ट आ, सिविल डिसोबियंट ओबीडिय uh, uh, सत्याग्रह उनका यह कहना था कि यह मेथड जो है यह अनडेमोक्रेटिक मेथड है यदि आप फास्ट एन टू डेथ करेंगे तो यू डोंट लीव ए चॉइस टू द अदर पार्टी बाबा साहेब को सरेंड करन, करना सरेंडर पड़, करना पड़ा पुना में सेपरेट इलोक्टेट मिला था ब्रिटिशर से गांधी जी ने कहापरेट इोक्रेट तो नहीं दूंगा रिजर्वेशन दे दूंगा एंड ही वेंट ऑन फास्ट एंड टू डेथ एंड ही हैज़ टू सरेंडर फाइनली एक्सेप्टेड रिजर्वेशन जिसके गलत परिणाम हमें आज देखने को मिले उसका मैं जिक्र जिक्र करूंगा बाद में तो ये जो इम्पोर्टेंट कंडीशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है कि लोकशाही में कोहर्सिव मैथड प्रेशर वाली मेथड वायलेंट मेथड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए आज आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी मेरा ख्याल क्राइसिस में है इस, इस इशू को लेकर आपने देखा होगा पिछले तीन चार सालों में वायलेंट मेथल का इस्तेमाल जनता की तरफ से ज्यादा हो रहा है बैनिंग द काउ इज गवर्नमेंट लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट होना चाहिए लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है जनता की नहीं है जनता ने सपोर्ट करना चाहिए प्रचार करना चाहिए एजुकेशन करना चाहिए लेकिन जनता हा, कायदा हाथ में नहीं ले सकती लेकिन पिछले चार साल से आपने देखा होगा कि कितने वायलेंट अटैक दलितों के ऊपर रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर हुई है क्योंकि जनता इंप्लीमेंट कर रही है कायदा हाथ ले हाथ में लेके वो कायदे को इम्प्लीमेंट कर रही है और वायलेंट तरीके से कर रही है आपने देखा होगा गुना में क्या हुआ चार बच्चों को कार से बांधा गया और फिर उनको हाफ नेकेट करके उनकी पिटाई की जलगाँव में भी वही हुआ बहुत जगह ये हुआ तो ये वायल और वायलेंट मेथड इंक्रीज करने यूज़ करने की टेंडेंसी पिछले चार पाँच साल में ज़्यादा बढ़ी हुई है ये क्यों बड़ी है क्या बड़ी है ये अलग बात है किस आइडियोलॉजी की वजह से किस तात्विक विचारधारा की वजह से वायलेंस बढ़ रहा है वो अलग से बात हो सकती है लेकिन यदि वायलेंस का इस्तेमाल हो तो डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक चल चल नहीं सकती रिस्क आ सकती है डेमोक्रेसी की और भी लोग फिर वायलेंट मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं और हो रहा वो जब आपके ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा तो आप आप भी फिर उसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वो टेंडेंसी फिर औरों में आ जाती है तो ये पहली रिस्क पहला धोखा या डेंजर बाबा साहेब ने कहा था कि पीसफुल डेमोक्रेटिक मेथड शुड बी यूज इन डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ फ्रीडम है वहाँ चांस है सरकार के साथ कर सकते हैं और लोगों के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा जो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए जो आज की आज के इसमें उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया कितना सही है वो ये कि जिन सोसाइटी में असमानता है इनिक्वेलिटी है इकोनॉमिक और सोशल उसमें डेमोक्रेसी लोकशाही पनप नहीं सकती वो खतरे में रहेंगी असमानता और डोकशाही यदि असमानता ज्यादा है तो डेमोक्रेसी विल ऑलवेज कम अंडर डेंजर अंडरमाइन हो जाएगी तो इसलिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आप यदि सही बनाना चाहते हो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आपको फ्रीडम है बोलने का लिखने का फ्रीडम है और और फ्रीडम है आपको वोट दे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के, के लाने का ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम आपको है वो यदि आप गरीब हो और गरीबों के पास संपत्ति बहुत कम है औरों के पास बहुत ज्यादा है तो गरीब तबका जो है वो अपना पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता वो प्रेशर में आएगा तो उन्होंने अपने एकेडेमिक लैंग्वेज में उसमें उस, उस भाषण में उसका इस्तेमाल किया वो ये है समझ लीजिए प्लीज कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या करती है इक्वलिटी पे बेस्ड है जैसे मैंने कहा वो इक्वलिटी क्या है कि एवरीबडी इज इक्वल एंड देर फॉर एवरीबडी हैज राइट टू वोट जिसके जिस राइट टू वोट के, right के वजह से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हो तो इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स इक्वालिटी इन पॉलिटिकल राइट इंक्लूडिंग राइट टू वोट लेकिन उनका कहना यह है कि वो इक्वालिटी आपको इकोनॉमिक फील्ड में नहीं मिलती यदि वो इकोनॉमिक फील्ड में ना हो तो आपका राइट टू वोट भी अंडरमाइन हो जाएगा जो गरीब तबका है जो रिच तबके के ऊपर डिपेंड करता है वो पूरी तरह अपने पॉलिटिकल राइट एंजॉय नहीं कर पाएगा वो जो अमीर आदमी है या तबका है वो पैसे दे के लालच दे के प्रेशर डाल के उसको कहेगा कि आप इस पार्टी को वोट दे दीजिए इस व्यक्ति को दे दीजिए तो गरीबी जो है वो कैसे आपके पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय करने को रोकती है ये ये क्रक्स बात है यू नॉट जो राजकीय अधिकार है वो एन्जॉय करने में आपको मजबूरी आ जाती है यदि आप गरीब हो और इकोनॉमिक इनिक्वालिटी है तो उन्होंने ये कहा उनका वर्ड इस्तेमाल उनका उन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर्थिक लोकशाही होनी चाहिए उसका मतलब यही है कि हर एक जो व्यक्ति है उसको आर्थिक अधिकार होना चाहिए यदि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है स्वयंभू है तो वो अपने पॉलिटिकल राइट right भी एंजॉय करेगा क्योंकि औरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो वो कहेंगे जिसको मुझे वोट देना है उसको मैं दे दूंगा तो उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये प्री कंडीशन है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए आज जो आप खतरा एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को देख रहे हो वो इसलिए है कि इकोनॉमिक इन इतनी ज़्यादा है 2013 wealth की फिगर है वेल्थ की वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि एक परसेंट महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ एक परसेंट जो लोग हैं महाराष्ट्र के उनके पास 57 परसेंट वेल्थ है और बाकी जो 20 परसेंट है उनके पास कुछ नहीं है वही स्थिति ऑल इंडिया लेवल पे है अब इतना बड़ा तबका ट्वेंटी 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 परसेंट फोर्टी परसेंट या महाराष्ट्र में गरीबी का प्रोपोर्शन मेरा ख्याल एटीन परसेंट है ट्वेंटी परसेंट करीब है वो क्या अपने पॉलिटिकल अधिकार एंजॉय कर पाएगा जिससे उसको नौकरी मिलनी है जिसके घर काम करता है वो उसको बताएगा और इनडायरेक्टली उसके प्रेशर में आ जाएगा तो बाबा साहेब ने जो प्रेडिक्शन किया फोरकास्ट किया कि भैया इकोनॉमिक इक्वेलिटी ले अलाओ तभी आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी अच्छी तरह पॉलिटिकल फ्रीडम लोग इंजॉय कर पाएंगे वरना मुश्किल हो जाएगा डेमोक्रेसी खतरे में आएगी और उन्होंने कहा कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप हिटलर के पीरियड में इसलिए आई है कि जर्मनी में उस वक्त इकोनॉमिक इनिक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और दैट वाज वन ऑफ द रीज़न डिक्टेटरशिप आई दूसरा उन्होंने वार्निंग दी थी कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब तक सामाजिक राइट हो आर्थिक राइट भी आपके पास आ गए आप गरीब भी नहीं है लेकिन सामाजिक राइट जो है सोशल राइट जो है वो यदि आपके पास है नहीं डेमोक्रेसी तो आपको फ्रीडम देती है डेमोक्रेसी आपको इक्वल ट्रीट करती है दलितों को कहते हैं कि यू हैव ए फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम यू आर इक्वल जब प्रैक्टिस में देखो तो दलित बोल नहीं सकता गांव में कुछ कहे तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है सिविल राइट नहीं है कोई ये पे एंट्री नहीं है मंदिर में एंट्री नहीं है कायदा करता है कहता है कि सारे पब्लिक प्लेसेस में आपको इक्वल राइट है लेकिन प्रैक्टिस में है नहीं इंडिविजुअल राइट कि जैसे कपड़े चाहे मैं वैसे पहनूँ बूट पहनूँ गाँव में साइकिल से जाऊँ लेकिन बहुत सारी जगह आपको मालूम है कि यदि साइकिल से आप हाई कास्ट लोकेलिटी से जा रहे हैं तो आपको आप जा नहीं सकते खेत में काम करने वाली महिला यदि जा रही है हाईकास्ट लोकैलिटी से तो अपने पैर की चप्पर हाथ में लेके चलेगी मतलब पॉलिटिकल राइट सिविल राइट तो आपको दिए जा रहे हैं नागरिक अधिकार तो दिए जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में है नहीं तो वो डेमोक्रेसी कैसे हुई थीरी में है विचारों में है लेकिन प्रैक्टिस में है नहीं तो वो होना चाहिए वो नहीं है उस वक्त बिल्कुल नहीं था कायदा भी नहीं था एंटी एंडेचेबिलिटी एक्ट वो तो 1955 में आया एट्रोसिटी एक्ट नाइनटीन में आया तो बाबा साहेब ने कहा कि इसको उन्होंने कहा सोशल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के साथ जब सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यदि मिलेगी स्वातंत्र मिलेगा गरीबी हटेगी सिविल राइट मिलने का आपको अधिकार होगा महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तब जाके आप कहेंगे कि आप सही तरीके से डेमोक्रेटिक है आप अपने फंडामेंटल राइट right को एंजॉय कर रहे हैं तो बाबा साहब का ये बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है समझ लीजिएगा जिस भाषण में उन्होंने कहा है क्योंकि तो अब तो हर कोई कोट करता है उस सेंटेंस को उस पाँच छः लाइन को बहुत ही पावरफुल उनका प्रिडिक्शन था उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता और सामाजिक समानता जो है वो राजकीय लोकशाही की फाइबर्स है धागे है जिससे आपने कपड़ा बनाया है उस कपड़े के धागे में यदि सामाजिक और आर्थिक समानता है तो राजकीय समानता भी रहेगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल बी मच स्ट्रांगर आप वोट दे के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को भेज पाओगे तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी आर्थिक समानता सामाजिक समानता पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है फाइबर है आज वो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी बड़ी है सोशल इन इक्वेलिटी अभी नहीं मिली है आपने देख आप देखते हो कि भाई ऑल इंडिया लेवल पे ऑन एन एवरेज फोर्टी थाउजेंड केसेस ऑफ एट्रोसिटी रजिस्टर होती है ऑल इंडिया पे महाराष्ट्र में कोई ऑन एन एनुअल बेसिस पे अच्छा साढ़े चार सौ तो पाँच सौ केसेस रजिस्टर होती एनुअली ऐसा नहीं कि एक साल हुआ और फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं हर साल फोर थाउजेंड केसेस एट ऑल इंडिया लेवल फोर टू फाइव हंड्रेड केसेस महाराष्ट्र लेवल इसका मतलब है कि जब भी एट्रोसिटी एक्ट का मतलब यही है कि जब भी आप अपने सिविक राइट लेने की कोशिश कर रहे हो टेम्पल में जाने के लिए कुएं पर पानी भरने के लिए या और इसके लिए तो इसका अपोजिशन वायलेंटली होता है तभी तो एट्रोसिटी एक्ट आया ना डेमोक्रेटिक तरीके से आपने अपोजिशन किया कि नहीं भाई आप तो मार हो भैया आपको ये इंट्री है नहीं बोल के चले आए कुछ थेट किया थोड़ा सा लेकिन वो अपोजिशन नहीं है डेमोक्रेटिक अपोजिशन नहीं है वायलेंट अपोजिशन शुरू हो गया है अब मैंने किताब निकाली एट्रोसिटी की बड़ी किताब अभी आई नहीं लोगों के सामने शुगावा ने निकाली है। उसमें सारा दिया महाराष्ट्र की कहानी उसमें है कि Uh, जो अपोजिशन है वो वायलेंट फॉर्म में आ गया है और दूसरा एक वायलेंट फॉर्म का रूप आ गया है एट्रोसिटीज का वो ये है कि पहले तो अकेला आदमी जाके किसी दलित के साथ कन्फ्रंटेशन हो गया तो मारता था अब जो है मास कास्ट एज ए होल गोज ऑन दलित पर्सन एंड लोकेलिटीज एंड अटैक तो मॉस वायलेंस अगेंस्ट दलित इंक्रीज हुआ है दूसरा मल्टीपल एट्रॉसिटीज एक केस हो गया खैरलान जी हो या और कुछ हो गया तो जाके आपने उसको मारा पीटा बहुत कुछ किया नहीं उससे नहीं बात बनेगी घर को जला दो एक एट्रोसिटी नहीं मल्टीपल पनिशमेंट और उससे भी दिल नहीं भरता है तो फिर सबसे जो नाजुक हिस्सा है वो है कि दलित महिलाओं पे सेक्सुअली असॉल्ट करो जिससे ज़्यादा ठेच पहुँचेगी दलित आदमी को तो ये ये फॉर्म आ गए हैं सारे एट्रॉसिटीज के आप रिसेंटली देखोगे तो।, तो ये ये यदि आपको डेमोक्रेसी आपको नागरिक अधिकार देती है ये 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 आपको अधिकार है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वो है नहीं तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी तो बाबा साहेब ने यह कहा था रिपीट कर रहा हूं मैं उसको कि यदि आर्थिक समानता और सामाजिक समानता नहीं है तो जो बड़ी मेहनत से हमने घटना बनाई है जो इसको जिसको ये सारे अधिकार डिनाई किए जाते हैं वो इसको ब्लो अप करेंगे तो यदि एक्सट्रीमिज्म हमें जो पाया जाता है वो आइडियोलॉजी की वजह से हो सकता है वो उसको भूल जाइए लेकिन उसका एक बेस एक बेसिस तो एक्सप्लाइटेशन भी है ना वो थोड़ी ना करा जा सकता है तो ये जो डेमोक्रेसी हमें तो मिली है लेकिन डेमोक्रेसी को सही तरीके से प्रैक्टिस में लाने के लिए जो, जो चीजें जरूरी है आर्थिक समानता सामाजिक समानता नॉन वायलेंट इस्तेमाल कर लोकशाही तरीके से आ, उस चीज़ों को डील करना ये जो तीन चार चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है वो आज भी आ, आज उसका महत्व बहुत ज़्यादा है इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ही बार बार क्यों कोर्ट किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन उनमें उन, उन, उन्हों फोर्स साइड थी और उन्होंने तो सिर्फ अभी ठीक चल रहा है बस ऐसा करो लेकिन उनको मालूम था कि ये समाज क्या है और इसके फीचर्स क्या है तो उन्होंने प्रिडिक किया कि ये चीज़ होने वाली है ये होने की संभावना है इसलिए उन्होंने वेल इन एडवांस आगाह किया कि ये ये चीजें करो तो लोकशाही के बारे में ये जो तीन बातें हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी सोशल इक्वालिटी या नॉन वायलेंट मीन्स ये बहुत जरूरी है यदि लोकशाही को यदि स्ट्रेंदन करना है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकिन उसके ऊपर ध्यान जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और भी चीजें बाबा साहेब ने की है बताई है डेमोक्रेसी के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये जो सोशल डेमोक्रेसी की बात की हमने समाज सिविल राइट मिलने की बात की है वो इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक्सेप्ट किए है लेकिन समाज में है नहीं जाति व्यवस्था की वजह से मॉडल ब्रिटिश से हमने लिया हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसी किस आधार पे है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो समाज में कन्वेंशन है समाज में जो कस्टम है रीतिया है रिवाज है उसमें समानता है डेमोक्रेसी है उसी के बेसिस के ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो उनको कोई परेशानी होती नहीं है आप देखेंगे कि जब भी कुछ अनडेमोक्रेटिक चीज़ें होती है तो जो साइंटिस्ट लिखते हैं कि भैया हमारे कन्वेंशन में ये चीज़ नहीं है तो लेबर पार्टी ने नहीं करना चाहिए कन्वेंशन को रेफर किया जाता है कस्टम को रेफ़र किया जाता है हमारे यहाँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है अब मैं नेशन के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आऊँगा बाद में लेकिन अभी आपको इतना ही बता दूँ कि हमारे जो सोशल सिस्टम है वो सोशल सिस्टम डेमोक्रेसी की वैल्यू के खिलाफ होने की वजह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो रही है और यहां बाबा साहेब ने बुद्धिज्म को लाया है यदि बुद्धिज्म का कोई कनेक्शन डेमोक्रेसी के साथ आपने चित्र लाया है वो ये है कि डेमोक्रेसी समानता की बात करती है स्वातंत्र की बात करती है फ्रीडम इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी बंधुभाव ब्रदरहुड ये फाउंडेशन है डेमोक्रेसी के लेकिन प्रैक्टिस में बिल्कुल इसके उल्टा है सोशल इनइलिटी है जहां तक दलितों का सवाल है औरों का भी है इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी है वायलेंस है ब्रदरहुड नहीं एनिवर्सिटी है इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये बाबा साहेब को मालूम था तो आपको यह बदलना होगा ना समाज को बदलना होगा वहां इनिक्वेलिटी के जगह पे आपको इक्वेलिटी लानी पड़ेगी हेटरेट और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके जगह आपको फैटर्निटी और बंधुभाव बढ़ाना पड़ेगा जो वायलेंस मीन्स का इस्तेमाल होता है उसके जगह डेमोक्रेसी और डिस्कशन के थ्रू किया जाना चाहिए यदि एक किसी गांव में दलित लड़का और हाई कास्ट की लड़की है और दोनों का कुछ दोनों शादी करना चाहते हैं जो ट्रेडिशन के बहुत खिलाफ है हाई कास्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इकट्ठा बैठो दोनों को बुलाओ ये कहो कि भाई पॉसिबल नहीं यार शादी मत करो चलेगा नहीं बातें करो नहीं वो नहीं होता है या तो लड़की को मारा जाता है या दलित लड़की को मारा जाता है दे डोंट यूज द डेमोक्रेटिक वेज टू रिजोल्व द इश्यूज दे यूज द वायलेंट मेथड उसके कारण है क्योंकि हमारे धर्म में और हमारे सोसाइटी में यूज ऑफ वायलेंस बड़ा कॉमन है तो ये जो है बाबा साहेब ने कहा कि समाज में जो विचार है मूल्य है नॉर्म्स है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है इसलिए उसको बदलना होगा वो कैसे बदलोगे आप क्योंकि ये सारे विचार धर्म से आते हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था से आते हैं वो सब धर्म में है लोगों को ऐसा कहा तो लोगों को बुरा लगता है मुझे मालूम है जब मैं लिखता हूँ लोकसत्ता में लिखा और जगह लिखा तो लेटर आ जाते हैं नास्टी ईमेल आ जाती है लेकिन बाबा साहेब ने फिलॉसॉफी ऑफ इंदम जो विषय है उसमें लिखा हुआ है कुछ लोग कहते हैं भैया सारी मनुस्मृति में है इस ग्रंथ में नहीं है बाबा साहेब ने साहब कहा है कि भैया वेद ले लो तो पुरुष उत्ता में चातुर्वर्ण की जस्टिफिकेशन है पहली बार पुरुषुत्त में आया हुआ है ऋग्वेदा के पुरुषुत्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है उसके बाद गीता में आया हुआ है वर्ण व्यवस्था उसके बाद मनुस्मृति में आया हुआ है रामायण में है महाभारत में है कौटुल्या के अर्थशास्त्र में है ऐसे कौन से रिलीजियस किताब नहीं है जिसमें जाति व्यवस्था को सपोर्ट नहीं किया है तो वो तो लोग मानने वाला बहुत बड़ा तबका है तो उसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई बाकी की चीजें ले लो आप धर्म की हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एंजॉय करना चाहिए हिंदू ने भी एंजॉय करना चाहिए सब ने एंजॉय करना चाहिए वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं लाना चाहिए लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है आपकी वो कैसे प्रोपोगेट करोगे आप वो तो हमारे खिलाफ चले जाएगी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जापान में गए कॉन्स्टिट्यूशन देने के बजाय गीता दे दी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यह कहा कि गीता को नेशनल ग्रंथ बनाइए अब वो होगा नहीं होगा अलग बात है लेकिन ये बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है इसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि जब गीता को हम प्रोपोगेट करते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है इसका दलितों के ऊपर क्या असर होगा आप कहिए ना गीता के जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसका प्रोपोगेशन हम करते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन साथ साथ ये भी तो कहो कि गीता में जो वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ है दलित सफर हुआ वो नहीं कहा जा रहा गीता है गीता एज ए होल प्रोपोगेट किया जा रहा है वेदा एज ए होल प्रोपोगेट किया जा रहा है कल परसू स्टेटमेंट आया कि इंडियन सोसाइटी वैदिक विचारों के आधारित होनी चाहिए अरे भैया होनी चाहिए कही आपको आप पूरा अधिकार है लेकिन ये भी तो कहो ना वेदा में तो वर्ण व्यवस्था भी है ना तो दलित का तो कुछ ख्याल करो जब ये कह रहे हो तो दलितों को क्या ठेच पहुँचती है तो ये जो है ये बदलना जरूरी है इसलिए बाबा साहेब ने बुद्धिज्म दिया बुद्धिज्म ने रैशनैलिटी है इक्वेलिटी है फ्रीडम है बंधु भाव है प्यार है करुणा है मैत्री भाव है जानवर एनिमल के प्रति भी है करुणा तो आदमियों के बीच में होती है मैत्री भाव राउत बताएंगे आपको कल मैत्री भाव तो इट एक्सटेंड टू एनिमल जब गाय की बात कर रहे हो तो गाय को तो पवित्र पवित्र मतलब रिस्पेक्टफुल भगवान बुद्धा ने भी माना हुआ है भाई यूजफुल एनिमल है यूजफुल प्राणी है तो ये जो तत्व बुद्धिज्म के है ये आप लागू करो सोसाइटी में और ये जो सारे प्रिंसिपल है तत्व है ये फिर डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे कंपेटेबल है ना उनके साथ डेमोक्रेसी इक्वलिटी की बात करती है बुद्धिज्म इक्वलिटी की बात करती है जाति व्यवस्था नहीं करती बुद्धिज्म फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम की बात करता है बुद्धिज्म फ्रीडम की बात करता है मनुष्यमति नहीं करता दलितों को संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं शिक्षा का अधिकार नहीं रिस्ट्रिक्शंस है रास्ते पे नहीं चल सकते मंदिर में नहीं जा सकते एक तरफ फ्रीडम दिया हुआ है दूसरी तरफ फ्रीडम नहीं करा दे लेकिन बुद्धिज्म देता है तो इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंगन करना है नेशन को स्ट्रेंगन करना है नेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊँगा बाद में स्ट्रेंगन करना है तो बुद्धिज्म इसलिए जरूरी है कि ये नहीं कि वो रिलीजन है बुद्धिज्म एक फिलोसॉफी है जो हमारी सिस्टम जो है सोशल सिस्टम है उसको रिप्लेस करने के लिए इन प्लेस ऑफ इनइक्वालिटी इक्विटी इन प्लेस ऑफ नॉन फ्रीडम फ्रीडम इन प्लेस ऑफ इंटरकास्ट हेटरेट फैटर्निटी बंधुभाव यह हमें करना पड़ेगा तब जाके हमारी डेमोक्रेसी जिन प्रिंसिपल की बात करती है वो स्ट्रेंदन होगी यह उसका मतलब था बुद्धिज्म का लेकिन वो नहीं हो पाया तो बुद्धिज्म का जो रोल है वो इस कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा खाली इंपॉर्टेंट है कुछ और एक दो तीन बातें मैं कहूंगा और डेमोक्रेसी के ऊपर फिर बाद में बात करूंगा लेकिन एक बात आपको बता दूँ लेट मी बिंग द नेशन हियर थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी नेशन जो हमारा है इंडिया जो जिस तरह से डिफाइन किया है ऊपरी में जनता का है जनता सार्वभौम है लोकशाही है यहाँ पर सेकुलरिज्म है धर्मनिरपेक्ष है और आर्थिक समानता लाने के लिए ये कटिबद्ध है और ये समता बंधुत्वता एकता प्रमोट करेगा ये बेसिक आधार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे डेमोक्रेसी का एक विचारधारा उसके साथ जुड़ी हुई है नेशन की वो ये है कि नेशन कैसे बनता है कैसे नेशन बने दुनिया में तो एक विचारधारा जो है अभी भी रिपीट की जा रही है वो विचारधारा यह है सुनिएगा जरा प्यार से सुनिएगा कि एक जमीन हो एक धर्म हो एक कल्चर हो एक लैंग्वेज हो तो नेशन बनेगा क्योंकि सिमिलैरिटी है सारी और कुछ हद तक बात बिल्कुल सही है नेशन यदि आप दुनिया में फैले हुए हो तो नेशन नहीं बन सकता कॉन्शियसनेस हो सकती है आपके कि हम एक है लेकिन अलग अलग बिखरे हुए तो नहीं हो सकता जैसे जू जूज में ट्रिमेंडस कॉन्शियसनेस थी कि हम एक है अंबेडकर भी वैसी है कैनेडा में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ न्यूजीलैंड में चले जाओ यूएसए में चले जाओ यूरोप में चले जाओ कॉन्शियसनेस एक ही है लेकिन जो राष्ट्र नहीं बन पाया एक धर्म एक कल्चर एक विचार इमोशनल इंटीग्रेशन राष्ट्र नहीं बन पाया राष्ट्र तब बना जब उसको जमीन मिली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश ने जमीन दी इसराइल के बगल में क्योंकि वो हिस्ट्री है कि वहां जूत रहते थे तब जाके राष्ट्र बना तो जमीन जरूरी है लैंड जरूरी है भाषा जरूरी है धर्म जरूरी है कल्चर जरूरी है इससे इकट्ठा आ जाते हैं लोग लेकिन बाबा साहेब ने ये भी कहा इससे सुदृढ़ नेशन नहीं बनता पाकिस्तान में जहाँ उन्होंने नेशन की थीरी को बहुत बड़ा एग्जामिन किया पाकिस्तान बनना जरूरी है नहीं है क्या है वो बात अलग है लेकिन उन्होंने एनालिसिस कियाडेमिकानिसिस किया उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की रांडे गांधी जी ने जो उनका लेक्चर है उसमें भी देने की कोशिश की उसमें उन्होंने क्या कहा नेशन बनने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है यहाँ आप डिस्कस कर रहे हो नेशन को उन्होंने ये कहा कि नेशन तभी बनता है सही तरीके से यदि लोगों में समानता हो लोगों में वही फीलिंग हो ब्रदरहुड हो फ्रेटर्निटी हो तब लोग इकट्ठा आते हैं कम्युनिकेशन हो ये शब्द उन्होंने सही बार बार इस्तेमाल किया पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन इन ए सोसाइटी बाय द पीपल तब जाके आप एक संघ बनोगे ना आप एक जमीन पर रहते हो एक धर्म है आपका एक भाषा है एक कल्चर है लेकिन असमानता है अनटचेबल गांव के बाहर आप गांव में अनटचेबल को अधिकार मिलेंगे नहीं शादी नहीं होगी सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी सिविक इम्यूनिटीज आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं, नहीं मिलेंगी वो नेशन कहाँ से बन, कैसे बनेगा तगड़ा ये कंडीशन बाबा साहेब ने सही नेशन बनने के लिए दी है ब्रदरहुड इक्वालिटी इक्वल पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन इंटरकम्युनिकेशन बहुत जरूरी इंटरकम्युनिकेशन तो है नहीं गांवों में चली जाए हैं शहर में भी हुई है कास्ट के अराउंड सोशल नेटवर्क है आना जाना बैठना उठना खाना शादी सारे कास्ट के अराउंड है नेशन कैसा बनेगा वही फीलिंग कैसे आएगी वो दया पवार ने कहा है ना कि बॉर्डर पे तो सोल्जर है वो लड़के आया है अपना पैर गवा के देश के लिए किया उसने वो ये थोड़ी देखा कि ये मेरा देश है और ये आपका देश है नहीं यही फॉट फॉर द नेशन लेकिन जब गांव में आता है तो वो देखता है अलग बस्ती में रह रहा है उसको वो राइट नहीं मिलते हैं तो नेशनल फीलिंग कहां से पैदा होगी नेशनल फीलिंग जो है वो वही फीलिंग से आती है ब्रदरवुड से आती है इतना आसान नहीं है नेशनल फीलिंग पेड़ पे नहीं उगती है ऊपर से नेशनल फीलिंग नीचे से आती है जब तक आप एक दूसरे को भाई नहीं कहोगे तब आप इस सबको मानेंगे नहीं और आपको एग्जांपल तो मालूम है यदि पेशवाई में दलितों के गळ्यात गाळग कमरेला फळा आणि हातात काठी दूध इतकी स्थिती जर तुमची वाईट केली असेल अनटचेबल अनसिएबल अनअप्रोचेबल टच तो होगाही नाही देखना भी नहीं चाहिए इदल, दलित को देखा अर्ली इन द मॉर्निंग तो वो बडा इनऑस्पिशियस आहे काय आपण म्हणते काय शब्द मराठीमध्ये वापरता किती अशुभ झाला आहे इतकी वाईट स्थिती करून टाकली होती नॅशनल फिलिंग कुठून येईल भाऊ पेशिवाय आपलं राज्य भारतीयांचं पण स्थिती अशी आहे जनावरांसारखी नॅशनल फिलिंग कुठून येणार दॅट्स वाय दे फॉट सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस तो नॅशन बाबासाहेबने जो पकडली आहे नॅशन की कॉन्सेप्ट व ये आहे की इक्विटी ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन इंटरमिक्सिंग इज द क्रक्स ऑफ द नेशन नेशन तभी स्ट्रांग बनेगा तो ये मेरा ख्याल है ये अभी जो डिविजन बढ़ रहा है अभी तो इतना डिविजन हो रहा है कि इंटर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है सबकास्ट में कॉन्टिक कॉन्फ्लिक्ट है हर एक जात का एक नेशन बन रहा है बाबा साहेब ने बताया कि कास्ट सिस्टम में तो हर एक कास्ट इज ए नेशन क्योंकि कॉन्शियसनेस है विद इन द कास्ट कॉन्शियसनेस बाहर की से कोई लेना देना नहीं है तो आज कास्ट कॉन्सियसनेस कितनी बड़ी है आपको मालूम है मुझे नाम लेने और बताने की जरूरत नहीं है तो नेशन को सही तरीके से आ, मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी है कि समता बंधुत्व पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन आपकी खुशी मेरी खुशी आपका दर्द मेरा दर्द ये होना चाहिए ये उन्होंने कहा ये होता नहीं दलित उमन इज सेक्सुअली असोल्टेड तो दलितों को दर्द होगा कुछ प्रोग्रेसिव जो है वो थोड़ा बहुत लिखेंगे और नॉन दलित महिला के साथ कुछ जाती होगी तो औरों को भी दुख दर्द नहीं होगा क्योंकि हमारी इमोशंस और हमारी जो चैरिटी है हमारी जो करुणा है उसको भी हमने कंपार्टमेंट में बांटा हुआ है नेशन इससे बनता है कि यू फील हैप्पी यू फील यू यू पार्टिसिपेट इन पेन एंड एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरीबडी तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रिडिक्शन है और उन्होंने वार्न किया है कि नेशन को तगड़ा बनाने के लिए ये चीजें करने की जरूरत है दूसरे दो मुद्दे मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद ये खत्म करता हूँ वो ये है कि मैंने आपको कहा है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाते हैं और सर जनता के लिए चलाते हैं फॉर द पीपल लेकिन उसकी एक एक मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो चलाएगा और माइनॉरिटी जो है हिस्सा बनेगी रहेगी पार्लियामेंट में लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है वो सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं रिटर्न में दे सकते हैं कभी कभी उनकी बातें भी सुनती है लेकिन बेसिकली इसे मेजॉरिटी रूल बाबा साहेब का यह कहना है कि ये जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी रूल ये सही तब तक रहता है जब तक कि ये पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है हर एक चीज़ जो बाबा साहेब की थी वो बिल्कुल प्रिडिक्शन के साथ थी फोर्स ही करते थे कि ये प्रॉब्लम होगी तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बारे में उन्होंने यही बातें की समझ लीजिए मैं सिंपल वर्ड में आपको समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें तो यदि आप एक बाबा साहेब के ऊपर एक भाषण ये प्रोग्राम रख दो तो दस बारह लोग आएंगे और बोलेंगे इमोशनल ये वो लेकिन जो सही सवाल है उसके ऊपर चर्चा करने की हमारी बात नहीं होती लेकिन अब नागपुर में हो है शुरू जो हमारे मसले हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए तो बाबा साहब ने यह कहा कि ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंस डेमोक्रेसी की सिस्टम है वो ब्रिटिश से आई हुई है कि भाई इलेक्शन होगा जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे कैंडिडेट आएंगे वो सरकार बनाएंगी मेजोरिटी लेकिन वो जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी जो है मेरिट पे आती है मुद्दों पे आती है फिलोसॉफी पे आती है यदि लेबर पार्टी है सत्ता में आ गई तो वो लेबर के बारे में नीतियां बताते हैं आइडियाज बताते हैं स्कीम बताती है और यदि सारे लेबर को अच्छा लगा और भी लोगों को अच्छा लगा तो उनकी सरकार बनती है लेकिन लेबर जाके राइट विंग पार्टी आती है आई थी अमेरिका में इसमें यूके में तो वो कहते नहीं साहब बिजनेस क्लास को प्रमोट करना चाहिए वो ग्रोथ करते हैं ग्रोथ से है, औरों का फायदा होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है फलाना फलाना ये सारा होता है उनको वोट मिल जाते है, वो पार्टी में पावर में आते है। पे आती है मुद्दों पर मेजोरिटी आती है इश्यूज़ में मेजोरिटी आती है मेरिट पर मेजोरिटी आती है जब तक ये होता है तब तक माइनॉरिटी को भी फायदा होता है मेजॉरिटी को भी फायदा होता है यदि गरीब के लिए लेबर के लिए यदि लेबर पार्टी की सरकार आई तो वो फिर शेड्यूल कास्ट का लेबर हो या नॉन शेड्यूल कास्ट का लेबर हो उसका फायदा होगा इक्वल वेजेस होगी एम्प्लॉयमेंट का होगा सोशल प्रोटेक्शन होगा लेकिन बाबा साहेब ने यह कहा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लेना चाहिए वो पढ़ना चाहिए सब लोगों ने कम्युनल डेड लॉक एंड वे टू सॉल्व इट उसमें यह सारी चीजें उन्होंने डाली हुई है कि उन्होंने कहा इंडिया में जहां सोसाइटी डाइवर्सिफाइड है विभिन्न जातियाँ है इतनी ग्रुप है ट्राइबल है रिलीजन है उसमें मेजॉरिटी जो चुन के आएगी वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं होगी मुद्दों पे नहीं आएगी, मुद्दे भी रहेंगे बहुत बार लेकिन वो कम्युनल मेजॉरिटी होगी जिस जाति की संख्या ज्यादा वो मेजॉरिटी में चुन के आएंगे और तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि महाराष्ट्र में पिछले साठ साल से किसकी सरकार है और क्यों आई जिस धर्म की संख्या ज्यादा उस धर्म के लोग ज्यादा चुन के आएंगे क्योंकि आधार फिलोसॉफी पॉलिसीज नहीं है इलेक्शन का वो भी है लेकिन आधार धर्म है आधार कास्ट है वोट का आजकल तो कोई कोई तो आजकल तो कहने की नौबत बुरी बात है कि आज तो ओपनली चलता है भाई इस राज्य में इस सबकास का संख्या ज्यादा है तो इसलिए वो वो चुन के आएंगे पॉलिटिकल अलायंस होगा सीधा सीधा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं उसमें यूपी में जो अली अलायंस हो गया है दोनों पार्टी का तो जाति के आधार पर ओपन कहते हैं उसमें कोई बुरा चीज लगता नहीं हमें हम भी यही कहते हैं महाराष्ट्र में भी वही होता है तो जो मेजोरिटी चुन के जा रही है वो मुद्दों पे थोड़ी जा रही है वो तो क्योंकि वो जात मेजोरिटी में इसलिए वो चुन के आ रहे हैं धर्म की संख्या ज्यादा है इसलिए उस धर्म के चुन के आ रहे हैं तो फिर बाबा साहब कह रहे हैं सुन लीजिए कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है वो ब्रिटेन में मुद्दों के बेसिस पे होती है उसको बदला भी जा सकता है इम्परमेंट मेजॉरिटी है वो उन्होंने कुछ गलतियाँ की तो उसको निकाल देते हैं हम भी करते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जो मेजोरिटी कम्युनल बेस मेजोरिटी है वो परमनंट रहती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल है यह अलग बात है कि उसी जाति में एक ग्रुप नहीं आएगा दूसरा ग्रुप आएगा लेकिन आएगा कास्ट एज ए होल यदि यादव की पार्टी है जो अच्छे यादव नहीं उसको निकाल के अच्छे यादव को ला, लाया जाता है लेकिन बेस्ट तो यादव ही है ना या दलित है दलित भी जाति के आधार पर इकट्ठा आते हैं जो खराब दलित है उनको दस साल के बाद वो चले जाते हैं दूसरे लाए जाते हैं लेकिन आधार दलित ही है कम्युनल मेजोरिटी कास्ट मेजोरिटी तो बाबा साहब का कहना है कि ऐसे कम्युनल मेजोरिटी में जो माइनॉरिटी में है लाइक दलित एंड मुस्लिम एंड अदर उनके अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं है और सिर्फ रिजर्वेशन के थ्रू पॉलिटिकल रिजर्वेशन के थ्रू उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा एटी टू सीट शेड्यूल कास्ट की वहाँ है इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो भी बटे हुए हैं तो यूनाइटेड फ्रंट है ही नहीं अमेरिका में कम से कम से कम ब्लैक कॉकस होता है सीनेट में यहाँ तो वो भी नहीं है यह सी एस टी फोरम है वो इकट्ठाते हैं वो फोरम भी अब खत्म हो गई है मुझे बुलाते थे जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी कि भाई इस मुद्दे पर बताओ जरा तो मैं जाता था उनको लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि माइनॉरिटी बहुत असुरक्षित रहती है आपने यूपी का एग्जाम्पल देखा होगा भैया चौदह परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है एक भी उम्मीदवार पिछले इसमें नहीं था एक पार्टी की तरफ से तो किस तरह से मेजोरिटी माइनॉरिटी को क्रश किया जा सकता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इसका एग्जाम्पल है महिलाओं के बारे में है दस परसेंट है पॉपुलेशन फिफ्टी परसेंट है कितने भी चिल्लाओ नहीं टिकट नहीं मिलती क्योंकि वो जेंडर है महिला आदमियों को सीटें छोड़नी पड़ेंगी ना महिलाओं को देनी है तो तो वो डेमोक्रेसी जिसमें मेजॉरिटी की पार्टी बनती है पावर बनाती है वो यदि कम्युनल बेस है तो मेजो माइनॉरिटी को खतरा होता है इसलिए उन्होंने अल्टरनेटिव दिया वो अल्टरनेटिव किसी लिखते नहीं ना सामने नहीं लाते मैंने जो किताब निका, निकाली है डॉक्टर अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी किसी ने एडिट की है मेरी फॉरवर्ड है उसमें पहली बार उसको सही तरीके से लाया क्या सोल्यूशन है बाबा साहेब की वो भी आज सोचना चाहिए हमने उसको क्योंकि आज तो में माइनॉरिटी तो बहुत ही रिस्क में है ना जब कम्युनल मेजोरिटी का डंडा है तो माइनॉरिटी की कौन बात सुनता है कितने लोगों ने जाके डेमोन्स्ट्रेशन किए होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के सामने कि भैया मनु मनु जी का जो स्टैचू है वो तरक हो यहां इन्होंने तो इक्वलिटी के जनन जनक है और इसी को आप हाईकोर्ट के सामने रखते हो नहीं हुआ सरकार और कोई थी तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तीन सोल्यूशन दी है सुन लीजिए डिफिकल्ट है, है लेकिन आपको आसानी हो जाएगी यदि आपको इशू यदि समझना है तो पहला तो उन्होंने यह कहा कि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कम होती है मेजॉरिटी की ज्यादा होती है इसलिए मेजॉरिटी आ जाती है और कम्युनल मेजॉरिटी है वो तो पहले यह काम करो कि सीटों का बैलेंस बनाओ ये नहीं कि मेजोरिटी की सीटें बहुत ज़्यादा कम करो लेकिन माइनॉरिटी की सीटें थोड़ी बढ़ा दीजिए मेजोरिटी की थोड़ी कम कर दीजिए ताकि पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में इतने लेजिस्लेचर आ जाएंगे जिसमें मेजोरिटी इतनी नहीं है कि जिससे वो माइनॉरिटी को दबा देंगे और उन्होंने नंबर ऑफ सीट दे दी वहाँ पर उसकी कम्युनल डेड लॉ एंड टू देखेंगे प्रपोजल था वो नाइनटीन में भाई शेड्यूल कास्ट की, कास की चीजें इतनी बढ़ाई है सिख की इतनी बढ़ाई है क्रिश्चन की इतनी बढ़ाई है की इतनी बढ़ाई है मुस्लिम की इतनी बढ़ाई है और हिंदू की भी ज्यादा रखी है लेकिन बैलेंस हो एक डिस्पैरिटी इतनी ना हो कि मेजोरिटी कम्युनल मेजोरिटी विल क्रश द माइनॉरिटी सुने ही नहीं पहला प्रिंसिपल उन लाया बैलेंस रिप्रेजेंटेशन का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी पार्टी जो होती है लोकसभा में या स्टेट में वो डिसीजन मेजोरिटी से होती है यदि 51 परसेंट फिफ्टी वन वोट यदि मेजोरिटी की तरफ है और 49 माइनॉरिटी की तरफ है डिसीजन 51 की होगी मेजोरिटी वोट काउंट करके डिसीजन होती है तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं कुछ चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें यूनैनिमस डिसीजन का प्रिंसिपल लाइए यदि सब लोकसभा के मेंबर यदि उसको मानते हैं उस इश्यू को तभी कर लीजिए वरणना ना मत कीजिए कुछ इशू को लेके जिस, जिस जिसका जिसका रिलेशन मेजॉरिटी के साथ भी है और माइनॉरिटी के साथ भी है तो उन्होंने मेजॉरिटी डिसीजन का प्रिंसिपल की जगह पे यूनानिमस प्रिंसिपल लाया यूनानिमिटी का प्रिंसिपल लाया सजेस्ट किया उसमें उसका उदाहरण उन्होंने यूनाइटेड नेशन का दे दिया आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है बड़ी पावरफुल बॉडी है वो मेन डिसीजन वहाँ से होते हैं सात आठ लोग देश ही उसके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं लेकिन डिसीजन यूनियनिटी से होती है पिछले तीस साल से कोशिश की जा रही कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए लेकिन चाइना वोट ऑफ डिसेंट नहीं बन पा रहा है क्यों कि प्रिंसिपल यूनियनिटी का है यदि कोई डिसीजन लोकसभा में स्टेट असेंबली में दलितों के माइनोरिटी के खिलाफ जा रही है वो यूनियनि यूनियनिटी का प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो तो मेजोरिटी कम्युनल पार्टी नहीं कर सकती दलित अपोज करेगा माइनॉरिटी अपोज करेगी तो कुछ मामले में यूनानिमिटी का प्रिंसिपल हो ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की सजेशन है माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए हो। और तीसरा बड़ा अच्छा है वो ये है एक्सट्रीमली क्रिएटिव मैन एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट नेशन ये नेशन के लिए वो सारा किया है उन्होंने वो ये था उन्होंने ये कहा कि मेजोरिटी आती है वो सरकार बनाती है बनाए डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वो माइनॉरिटी को तो नहीं सरकार बनाने देंगे आप लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन होगा मेजोरिटी पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी से कौन होगे और माइनॉरिटी का मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी से कौन होगा यह पूरा हाउस तय करें मान लीजिए अब बीजेपी पावर आ गई है मेजॉरिटी बनके तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा बिल्कुल सही है उनके कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे वो भी सही है माइनॉरिटी का मिनिस्टर कौन बनाना वो उनका उन, उन्होंने करना चाहिए लेकिन एक बात उन्होंने सजेस्ट की कि मेजोरिटी पार्टी अपने कैंडिडेट रखे कोई हद नहीं करे एक रखे दो रखे तीन रखे लेकिन वोट सब करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि मेजोरिटी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर वो ऐसा होगा जो सारे हाउस को एक्सेप्टेबल होगा माइनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा जो सारे माइनॉरिटी को एक्सेप्टेबल uh, होगा माइनॉरिटी वोट करेगी द पॉलिटिकल पार्टी तो उन्होंने उसको कहा प्रिंसिपल ऑफ फेथ माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर में और कैबिनेट मिनिस्टर में और माइनॉरिटी मिनिस्टर में फेथ होना चाहिए सिर्फ आप मेजोरिटी हो इसलिए किसी को भी आप नहीं बना सकते हो ये सारे विचार बाबा साहेब ने डेमोक्रेसी को सेंगन करने के लिए दिए हुए हैं और डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस है उसको वोर करने के लिए दिए हुए हैं मैं आखिरी पॉइंट कहूंगा और फिर खत्म करूंगा वो ये है वो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड है वो वो मुद्दा ये है कि माइनॉरिटी को सोशल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को अभी तो सिर्फ सोशली माइनॉरिटी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है माइनॉरिटी को है नहीं महिलाओं का शायद आ सकता है आ जाएगा कभी ना कभी तो आएगा ही जब आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो 80, 82 सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड आई थिंक 50 फॉर ट्राइबल उसको चुनने का जो तरीका है इलेक्शन का तरीका जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसा होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन के भेज सकते हो नहीं तो उसका ऐसे कोई मतलब नहीं है दो इलेक्ट्रल सिस्टम है एक जो मिली थी 1930 में उसको कहते सेपरेट इलेक्ट्रेट सेडुलस्ट को मिली थी मुस्लिम को पहले थी वो क्या है सेपरेट इलेक्ट्रेट आप सब लोगों को मालूम है लेकिन रिपीट करूंगा मेरा मुद्दा जो है आपके सामने रखने के लिए सेपरेट इलेक्टेड ऐसा था ऐसी इलेक्ट्रल सिस्टम थी कि एक रिजर्व कॉन्स्टिट्युंसी होगी नॉर्दर्न नागपुर जहां अट्ठाइस परसेंट पॉपुलेशन है असेंबली सीट जो है नॉर्दर्न नागपुर मैक्सिमम है महाराष्ट्र में कम से कम है भूसावाल में यहां अट्ठाईस उन्तीस है तो इसमें से जो है डबल मेंबर कॉन्स्टिट्युएंसी होगी शेड्यूल कास्ट होगा नॉन शेड्यूल कास्ट होगा और शेड्यूल कास्ट को चुनने का अधिकार सिर्फ शेड्यूल कास्ट को होगा ताकि आप जनमिन आदमी को के दे दें दो तीन शेड्यूल कास्ट खड़े रहेंगे शेड्यूल कास्ट उनको वोट दे देंगे तो जनमिन आदमी को आप भेज सकते हो और शेड्यूल कास्ट जो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव उसको यह लगेगा कि मैं मेरे लोगों के इस पर आया हूं और इनको मुझे सर्व करना है तो वो करेगा यह सेपरेट इलेक्टर की यह है और जो कास्ट का है नॉन दलित है उसको उसको नॉन दलित वोट दे देंगे नॉन शेड्यूल कास्ट वोट देंगे लेकिन शेड्यूल कास्ट को भी वोट देने का अधिकार था तो शेड्यूल कास्ट टू वोट वन फॉर हिज कैंडिडेट एंड फॉर द हाई कास्ट तो वो जो नॉन शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट है डबल मेंबर में वो भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इनके वोट मुझे मुझे लेने हैं तो इनकी मैं सेवा करूं डबल प्रोटेक्शन शेड्यूल कास्ट को दिया था बाबा साहेब ने सेपरेटी लोकेट इसलिए इसका विरोध हुआ गांधी जी फास्ट पे चले गए और फाइनली रिजर्वेशन को माना गया तो रिजर्वेशन क्या है आपको मालूम है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है शेड्यूल कास्ट खड़ा रहेगा वोट देंगे शेड्यूल कास्ट या नॉन शेड्यूल कास्ट दोनों और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉन शेड्यूल कास्ट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वही तय करेंगे कि, कि किस शेड्यूल कास्ट को भेजना है तो जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है वो बेचारा उसको पता है कि नॉन शेड्यूल कास्ट वोट मेजोरिटी में है तो वो उसकी बात सुनता है बोलता भी नहीं है बोले तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगी तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इलेक्ट्रल मेथड है उसमें से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र दलितों का उम्मीदवार जाता नहीं इसलिए बाबा साहेब कह रहे थे कि भाई सेपरेट इलोक्ट दे दो अब इसको अब आप देख रहे हो 82 लोग हैं लेकिन कभी बोलते नहीं है और कुछ तो ऐसा है कि बिल्कुल Uh, जो एजेंडा चल रहा है उसके खिलाफ भी बोल लेते हैं पार्टी क्योंकि वो पार्टी के हैं स्पेसिफिक पार्टी के है तो आज आपके सामने है ये इशू है अब इलेक्शन आ रहा है उसमें ये एक तरीके से इशू को रखना चाहिए कि भी सेपरेट इलेक्टेड हो रिजर्वेशन नहीं हो रिजर्वेशन की मेथड ना हो जिसके वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चला जाए आप देखते होंगे कि जब इंडिपेंडेंट चला जाता है तो वो बहुत बोलता है साउथ का था वन्नी करम की कोई एम पी था इंडिपेंडेंट चुन के आता था वो बोलता था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसको उसको मालूम है कि मेरा चुन के जाना हाई कास्ट पर डिपेंड नहीं है मेरी अपनी अलग सी कॉन्स्टिट्यूशन सी है बाबा साहेब ने कोशिश की मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ हिस्ट्री आदमी ने कुरनी नहीं चाहिए बाबा साहेब ने ऐसा हुआ सुनिए ये तो सारा पुनः पैक्ट में मिला जब घटना बनी तो दोबारा रिजर्वेशन का इशू आया देना है या नहीं देना है पॉलिटिकल एजुकेशन या एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुस्लिम को एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन दलित ट्राइबल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया लेकिन गांधी जी की डेथ होने के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी कमिटी जो थी जिसमें बाबा साहेब मेंबर थे और और लोग मेम्बर थे उन्होंने कहा कि नहीं ये सारा रिजर्वेशन होना चाहिए जाना चाहिए इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट तब बाबा साहब बहुत परेशान हुए उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूश असेंबली जो लार्जर बॉडी है दो लोगों की या कुछ उन्होंने एक्सेप्ट किया माइनॉरिटी कमेटी कैसे कर सकती है तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूश असेंबली में ले जाएंगे सो एवरी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन गोइंग टू बी रिजेक्टेड पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है बाकी तो आने वाला था तब बाबा साहेब इतने अकेले रहे और फिर उन्होंने कहा कि आई कैन बी ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूश असेंबली मैं चेयरमैन नहीं रह सकता और मेम्बर नहीं रह सकता ये थ्रेट उन्होंने दिया और उनको लोगों का लगा फिर लोगों को ये डॉक्टर अम्बेडकर रिजाइन एज द चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का क्या होगा क्राइसिस क्रिएट किया उन्होंने आपने यदि पता नहीं सैम बेनेगल की वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो इंस्टॉलमेंट आती है सीरियल आती है उसमें एक इंस्टॉलमेंट है जब बाबा साहेब का लेटर पटेल ने फाड़ दिया कि नहीं मैं रिसिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करूँगा आपका और फिर कॉम्प्रोमाइज़ होकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए मिला और नहीं मिला वो भी दस साल के लिए दिया है ये जो हमारे एकेडेमिशियन है ना जिनको पता नहीं है वो, वो दस साल का पीरियड जॉब के भी लिए लगाते हैं और एजुकेशन के भी लगाते हैं उनको ये पता नहीं कि दस साल की जो कंडीशन है सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए है हर दस साल अभी आएगी कल परसों इस अगले साल बहुत ही नजदीक है तब बाबा साहब ने कोशिश की सेपरेट इलेक्टेड लाने की लेकिन उन्होंने वाया मीडिया दिया सुनिए जरा ठीक से सुनिए प्लीज लुक इलेक्ट्रेट मिलना मुश्किल था और कुछ अड़चने भी थी लीगली तो उन्होंने अल्टरनेटिव दिया जिसको कहते हैं क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्ट्रेट कोशिश की उन्होंने जब असेंबली में गया तब तो साउथ इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव थे शेड्यूल कास्ट थे कांग्रेस के साथ थे लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के घर के बगल में रहते थे तो इंटरेक्शन था तो बाबा साहेब तो ने उनको कहा कि आप ये जॉइंट सेपरेट इलेक्ट्रेड तो नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्ट्रेट की बात कीजिए उसके ऊपर वोटिंग हुआ व्हाट इज़ क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्ट्रेट क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्ट्रेड ये चीज़ है कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी अभी है उसी तरह हो एक ही शेड्यूल कास्ट का आदमी होगा जो चुन चुन के आएगा सभी उसको वोट देंगे लेकिन एक उन्होंने चेंज लाया वही चेंज यह था कि दो पेटियां होगी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को जो हाई कास्ट के नॉन शेड्यूल कास्ट वोट देंगे वो अलग काउंट किए जाएंगे और जो शेड्यूल कास्ट देंगे वो अलग काउंट किए जाएंगे दो पेटियां होगी ये किस लिए तो फिर कंडीशन रखी कि जिस शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को से एक ही से, एक ही शेड्यूल कास्ट है जिसको मोर देर्टी परसेंट मिनिमम वोट शेड्यूल कास्ट के मिलते हैं उसी के वोट काउंट किए जाए जिनको दस परसेंट शेड्यूल कास्ट के मिले पांच परसेंट मिले ही आउट तो जिसको ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के वोट है वो यदि चुन जाता है तो कम से कम उसको वो मोबलाइज फील करेगा कि मेरे समाज के लिए मुझे करना चाहिए क्योंकि थर्टी परसेंट लोगों ने मुझे चुन के दिया जॉइंट क्वालिफाइड क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टेड भी एक्सेप्ट नहीं हुआ फाइनली रिजर्वेशन रहा आज वही समस्या है कि जेन्यन एंड रियल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जा नहीं सकते उनकी गलती नहीं है मेंबर को मत बोलिए शेड्यूल कास्ट मेंबर को मत बोलिए इलेक्ट्रोल सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू उसको डिपेंड करना पड़ता है हाईकास्ट पे और फिर जो हाईकास्ट बताए पॉलिसी के लेवल पे वही करेगा बोल नहीं सकते तो ये भी डिमांड होनी चाहिए कि कम से कम ज्वाइन इलेक्ट्रिक तो लाओ आज तो बाबा साहब को हर कोई अप्रोप्रिएट कर रहा है ऐसी कोई पार्टी नहीं कि बाबा साहेब को मानता नहीं है तो डिमांड तो रखो चार्टर ऑफ डिमांड तो रखो ये उसमें से एक ये, ये होनी चाहिए हो जाएगा यदि आप मानोगे तो कुछ हद तक लेकिन आजकल हो ये रहा है कि इश्यूज पे डिस्कशन ही नहीं है साठ साल हो गए 1955 तक बाबा साहेब ने स्टडी करके जो कुछ करना था वो दे दिया हमें स्टडी करते थे कॉजेज ढूंढते थे, थे सॉल्यूशन देते थे, थे अब 55 के बाद तो और साठ साल हो गए हमने कुछ किया ही नहीं क्या क्या परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं ना स्टडी है ना समझ है कुछ यही नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिकल सीट के लिए हम कर रहे हैं पॉलिटिक्स तो इंस्ट्रूमेंट है साधन है साध्य तो यह है कि नितियाँ लाओ और जिससे तरक्की हो दलितों की अब आपका रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में है और सरकारी नौकरी में है दोनों प्राइवेटाइज हो रहे ऑल इंडिया में कभी आपने नाम नहीं सुना था कि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी 250 है अभी महाराष्ट्र ने भी स्टेट प्राइवेट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट पास कर दिया अब वो 250 जो ऑल इंडिया में उसमें रिजर्वेशन नहीं है साठ या सत्तर जो है सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें रिजर्वेशन नहीं है वो तो है ही लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दो में सेल्फ फाइनेंस स्कूल का कायदा लाया किसी ने नहीं बोला कोई नहीं बोला दिल अरे भाई स्कूल प्राइवेटाइज हो रहा तो उसमें एडमिशन नहीं होगी अंडर रिजर्वेशन और जॉब में रिजर्वेशन नहीं होगा कुछ पता नहीं पंचायत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन लाया पंचायत का जो सरपंच है वो जनरल इलेक्शन के थ्रू होगा अब चूंकि हिंदू की संख्या ज्यादा है वो हर बार हिंदू ही रहेगा सरपंच बाबा साहेब ने विरोध किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म लाया इसके पहले जो पंचायत में यह था कि सात आठ मेंबर चुन के आते थे और उसमें बार्गेनिंग होती थी फिर और हाई कास्ट के दो ग्रुप होने के वजह होने की वजह से वो शेड्यूल कास्ट के पास आते थे भैया हमें आप सपोर्ट करो तो शेड्यूल कास्ट के मेंबर बार्गेन करते थे हाँ भैया आपको सरपंच बनाएंगे हमें उप सरपंच तो बनाओ ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी है अब आपने क्या बनाया डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सरपंच आएगा किसी ने नहीं बोला ट्रेजिडी यह है दलित पॉलिटिक्स की कि हमारे पैर से जमीन रेती जो है वो निकल के जा रही है जिस नीतियों से हमारी तरक्की हुई वो नीतियाँ खत्म हो रही है और हम बोल ही नहीं रहे या समझ नहीं रहे या बोल नहीं रहे मुझे नहीं मालूम सिर्फ पावर की भाषा बोल रहे हैं पावर किस लिए भैया वो भी दे दो तो मेरा, मेरा मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़े चैलेंजेस आपके सामने डेमोक्रेसी के हैं नेशन के हैं और वो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं कि नेशंस के नेशन को सही बनाने के लिए क्या जरूरी है डेमोक्रेसी को और सुधारने के लिए क्या ज़रूरी है और ये सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हैं तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें यदि ध्यान में दी तो हो डेमोक्रेसी और स्ट्रॉग uh, होगी और डेमोक्रेसी के सिवा हमें कोई और चारा नहीं है क्योंकि डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज इंडियन सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है कि वो uh, बहुत जल्दी डिक्टोरियल टेंडेंसी आ सकती है इसलिए डेमोक्रेसी को बचाना स्ट्रेंगन करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन का सही कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रेंगन करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना डेमोक्रेसी के लिए और नेशन के लिए वो ज़रूरी है बुद्धिज्म के बारे में भी आपने सोचना सोचना चाहिए दो दो धाराएं हैं उसमें कि अपनी इंडिविजुअल एलिवेशन के लिए बुद्धिस्ट प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है आपकी तरक्की होगी मेडिटेशन के थ्रू आपकी तरक्की होगी कुछ आचार संहिता करेंगे तो सही तरक्की होगी लेकिन भैया समाज में भी तो चेंज होना चाहिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपना एलिवेशन करने के बाद जो नॉलेज लिया पैंतालीस साल को घूमते रहे सोसाइटी में वो घर में बैठ के अपना सारा कुछ कर सकते थे अकेले को एलिवेट कर सकते थे वो नहीं किया जो उन्होंने पाया वो लोगों को दिया सोशल चेंज, और आज हमारी जो टेंडेंसी सिर्फ इंडिविजुअल एलिवेशन के लिए जो हो रही है वो होनी चाहिए ये नहीं कह रहा हूं जब जब तक आदमी बदलता नहीं है वो औरों को नहीं बदल पाएगा वो फर्स्ट स्टेज है लेकिन सेकंड स्टेज तो ये है कि समाज में चले जाओ ना जब बाबा साहेब ने पहली बार बुद्धा का स्टैचू बनाने की बात आई उनके घर में वो निपानी के गए थे उनके घर में वो माई साहब लिखती है अपने मेमोराय में तो बाबा साहब ने पूछा भाई किस तरह के स्टैचू बना रहे हो तो उन्हें बताया होगा उन्होंने कहा ना मुझे बुद्धा जो है आंखें बंद करने वाला बुद्धा नहीं चाहिए खुली आंख रखने वाला बुद्धा चाहिए बुद्धा ने खुली आंखें रखी समाज में गए गरीबी देखी एक्सप्लाटेशन देखा और लोगों को बताया मेडिटेशन में भी रहने वाला बुद्धा है लेकिन वहां ज्ञान मिलने के बाद वो समाज में जाके उसकी गरीबी दूर करना उनको नॉलेज बढ़ाना उनको समझाना उनको आधार देना ये बुद्धा का काम है फाइनली रानडे गांधी जी नाम में बड़े आदमी की व्याख्या क्या की है आपको मालूम होगा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपना ज्ञान और अपनी सिंसियरिटी का फायदा इस्तेमाल समाज की लेवल को उठाने के लिए करता है गरीबी दूर करने के लिए उठ करता है लोगों को आ, सही विचार देने के लिए करता है वो बुद्धिज्म का जो रोल है ना वो लाना चाहिए हमने बिहार में रह के अपना परिवर्तन जरूर करो लेकिन बिहार के बाहर आके समाज में जो गरीबी है दुख दुख क्या है सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लाटेशन है भगवान बुद्धा का बेसिक प्रिंसिपल है कि दुख है इसलिए दुख, दुख को सॉल्व करने के लिए तरीका भी है और ये तरीका लेके आप काम करो तो ये मेरा ख्याल है जो सोशल मैसेज ऑफ बुद्धिज्म है डेमोक्रेसी के लिए नेशन के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी है वी हैव टू मेक बुद्धिज्म रिलेवेंट टू द सोसाइटी तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने मुझे रखनी थी आपने मुझे बुलाया लंबी देर तक सुना इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद